हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आलतू की स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ग्रुप डी के लिए मैं जीके का तीसरा पार्ट लेकर आया हुआ हूँ, तो जो कि पूरे 25 क्वेश्चन हैं, तो ये मोस्ट 25 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर के ही चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो भारत में कुल 24.39% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अग्नाशय कौन सा रस स्रावित करता है? तो इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। पोटेशियम मैग्नेट ऑक्साइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है या किया जा सकता है? तो इसका प्रयोग जो है वह विसंक्रमण के रूप में किया जा सकता है। किसमें किया जा सकता है दोस्तों? विसंक्रमण के रूप में किया जा सकता है, विसंक्रमण। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि विजयनगर की स्थापना किसने की, तो हरिहर एवं बुक्का नामक गुफाइयों ने की थी। तो यह किस नदी के तट पर है? यह तुंगभद्र नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल की कठोरता को सामान्य रूप से किस के संदर्भ में मापा जाता है? तो जल की जो कठोरता है यह कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य मापा जाता है। ठीक है, भारत के लिए नियोजन अर्थव्यवस्था पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इस पुस्तक की रचना है सर एम विश्वरैया ने की थी। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? तो जो है जल जो है इसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है, इसमें जापान जो देश है यह शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यह थे वी एन राव। कौन थे? वी एन राव। ठीक है, भाभा इमोटिक रिसर्च सेंटर का निर्देशक डाटा कौन नियुक्त किया गया है? तो यह जो है अजीत कुमार मोहंती। यह करंट अफेयर्स में भी आ सकता है दोस्तों, क्योंकि ये करंट की है। ठीक है, किसी दंड की चुंबकीय प्रतिक्रिया में दंड का पूरा आयतन चुंबकित तो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो आप सभी लोगों को लगभग लगभग मालूम हो जाना चाहिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो सबसे पहली व्याख्या की थी वह नील्स बोर थी। कौन थे? नील्स बोर। वैश्विक असमानता तथा शोषण के विरुद्ध यूएनडीपी के संघर्ष के लिए समर्थन हेतु किसे ब्रांड इन्वेस्टर नियुक्त किया गया था? यह भी समझ लीजिए कि करंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसे पद्म लक्ष्मी को चुना गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप की उत्क्रमण होता है, जो ताप की उत्क्रमण होता है वह ऋणात्मक खास दर होता है। कौन सा होता है दोस्तों? ऋणात्मक खास दर। ठीक है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है, तो संपत्ति का जो अधिकार है यह वैधानिक अधिकार है। ठीक है,
निम्नलिखित दशाओं में से किस एक के रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती? जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह खाने का नमक जो होता है, खाने के नमक का वायु के संपर्क में आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भरतनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु, किसकी है दोस्तों? तमिलनाडु की। चलिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो निर्माण किया जाता है वह संपर्क प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, चलिए, 8 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? तो 8 मार्च को है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, अब 21 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, लाइकेन का उदाहरण है, तो लाइकेन का उदाहरण है सहजीवियों का। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से या रूप में जाना जाता है या नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को साफ पदार्थों में बदल देते हैं कहलाते हैं, तो जो बदल देते हैं वह अपघटन। क्या? अपघटन। अब लोगों को नहीं आ रहा होगा, अब डिसिप्लिन जो है वह आ गया होगा, अपघटन। ठीक है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? जो क्रिकेट में किया जाता है। काफी लोग इसका अभी नाम भी नहीं सुने होंगे, तो चाइना मैन शब्द का जो है प्रयोग क्रिकेट के ही खेल में किया जाता है, क्योंकि क्रिकेट काफी लोग खेलते होंगे लेकिन मालूम नहीं होगा, तो यह याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये हम पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह प्राणी है जिसको संवहन तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होती? तो स्टार फिश ऐसा है एक प्राणी है जिसका संवहन तंत्र होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे ग्रुप डी के लिए है मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक होंगे। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।